नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खुशखबरी लेकर अपने जनता के समक्ष हम हाजिर हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जिनके सर पर छत नहीं या इनका कोई अपना घर नहीं या वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और वो लोग जो कि इस यानी कि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं हमारे घरों पर भी, हमारे सर पर भी छत हो, हमारा अपना कोई घर हो, तो उनके लिए खबर बहुत ही बेहद ज़रूरी है। देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें अब मिलेंगे पक्के घर। पूरी खबर क्या है ध्यान से सुनिएगा और इस खबर में अपने कमेंट सुझाव हमें भी दीजिएगा और साथ ही साथ इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जो इस योजना के लाभार्थी हैं, जिन्हें वाकई जो डिजर्व करते हैं, उन तक ये योजना पहुंचे और जल्द से जल्द वो इसका लाभ उठाए। बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ऑनलाइन फॉर्म्स है, अप्लाई जो है वो शुरू हो चुके हैं। बताना चाहेंगे केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से देश भर के नागरिकों को सरकार किफायती दाम पर आवास की सुविधा मुहैया करती है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब लोगों को और निम्न यानी के लो इनकम वाले लोगों को घर बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए सब्सिडी भी देती है। इतना ही नहीं, जो लोग मध्य वर्ग के आय वाले यानी के मिडिल जो कि इनकम वाले ग्रुप है उनके लिए, उन्हें भी सरकार की तरफ से घर के बनाने के लिए सहायता मिल रही है। बताना चाहेंगे आपको पूरा कैसे आपने भरना, क्या फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बताना चाहेंगे अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो ऐसे में आप योजना का आप लाभ उठाकर अपना मकान बना सकते हैं। यदि आपको ये योजना के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस खबर को आप पूरी तरह से सुनिएगा। बताना चाहेंगे पीएम आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म यानी किस तरह से भरना और कौन कौन एलिजिबल है। बताना चाहेंगे पीएम आवास योजना एक ऐसी कल्याणकारी योजना है जिसे देश के ऐसे नागरिकों के लिए शुरू किया गया है जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। दरअसल आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके तो या तो जिनके कच्चे घर हैं या फिर वो झुग्गी या झोपड़ियों में रहते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ मिले, उनका अपना पक्का घर हो। इस प्रकार के सभी लोगों के पास ये एक बहुत अच्छा और सुनहरी अवसर है अपना खुद का घर बनाने का। यह जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस योजना का कार्यान्वयन सुचारू रूप से चलाने के लिए 1,47,916 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। बताना चाहेंगे इस प्रकार से 31 दिसंबर 2024 तक बताना चाहेंगे 2.95 यानी 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने का सरकार ने अपना लक्ष्य तय किया है। पीएम आवास योजना अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है ये ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा ताकि इस योजना का लाभ हर गरीब इंसान उठाए जिसने सपना देखा था कि मेरा भी कभी पक्का घर होगा। बताना चाहेंगे आपको पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन देना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अप्लाई करने के लिए पात्रता रखते हों यानी कि आप एलिजिबल हों। साथ ही साथ इसके अंतर्गत केवल वही लोग आवेदन दे सकते हैं जो किसी बीपीएल श्रेणी या फिर निम्न आय यानी के लो इनकम वर्ग से संबंध रखते हों। इसके अलावा ज़रूरी है कि आवेदनकर्ता भारत का स्थायी निवासी हो और उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो। साथ ही साथ लाभार्थी के पास सभी ओरिजिनल दस्तावेज भी होने आवश्यक हैं और कौन कौन से दस्तावेज हैं वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे आपको। और इसका पहले से कोई भी पक्का घर ना हो, यदि कोई नागरिक EVS यानी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर LIE यानी के जो कि लोअर इनकम ग्रुप में आता है वर्ग के तहत आवेदन देना चाहता है तो इसके लिए केवल महिला मुखिया ही अप्लाई कर सकती है। साथ ही साथ आवेदन को किसी दूसरी योजना का लाभ ना मिल रहा हो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर आप इस योजना के अप्लाई करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बताना चाहेंगे पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक जो दस्तावेज है इंपॉर्टेंट वो कौन से डॉक्यूमेंट है। बताना चाहेंगे जो भी नागरिक पीएम आवास योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना चाहता है तो उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण यानी के इनकम सर्टिफिकेट, साथ ही
साथ जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक का जो मोबाइल नंबर जो इस समय चल रहा होगा वो बैंक अकाउंट की पासबुक एवं बैंक अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड जैसी जानकारियां देनी अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। साथ ही साथ यानी कि पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हेतु इनकम, यानी आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए और आप लोग जो जिनकी कितनी इनकम है उस लिहाज से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही हमने आपको बताया कि इस योजना के माध्यम से देश भर के जरूरतमंद लोगों को फायदा उठाकर अपना घर बना सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जो ईवीएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक या फिर उससे कम होनी चाहिए। यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी ईवीएस जो लोग इस वर्ग में आते हैं उनकी सालाना इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। साथ ही साथ वही जो आवेदक लोअर इनकम ग्रुप के लिए आते हैं यानी LIG पे आते हैं यानी लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं उनकी जो सालाना इनकम है वो 3 लाख से 6 लाख तक होनी अनिवार्य है, यानी जरूरी है। साथ ही साथ इसके साथ कि अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप है यानी कि MIG मिडिल इनकम ग्रुप है इसके तहत आते हैं तो ऐसे में अनिवार्य जरूरी है कि आपकी सालाना इनकम है वह 6 लाख से लेकर 12 लाख तक होनी चाहिए, जरूरी है। वही जो नागरिक मिडिल इनकम ग्रुप 2 वाले हैं उनकी जो सालाना कमाई है वो 12 लाख रुपए से लेकर 18 लाख तक होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा और शेयर भी करते जाइएगा क्योंकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। बताना चाहेंगे आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आप पीएम आवास योजना के तहत आवेदन देना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसके लिए आपको अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कराने के लिए पूरी जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले आप संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना होगा। आप उसके बाद अब आपके सामने वेबसाइट होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर डालना होगा। आधार या वर्चुअल आईडी नंबर डालने के बाद आपको फिर नीचे की तरफ दिखाए गए चेक के विकल्प पर यानी कि क्लिक करना होगा। उसके बाद कन्फर्मेशन करने के बाद फिर आपको अपना स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। इस आवेदन फॉर्म में कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी जिसे आपको ठीक प्रकार से भरना होगा। अब आपको आवेदन फॉर्म पर भर जाए तो एक बार उसे चेक कर ले और उसके बाद आपसे जो भी दस्तावेज मांगे गए हों उन्हें भी अपलोड कर दे। अब आपके यानी कि कैच कोड डालने हैं और सबसे आखिर में सेवा का बटन यानी सेव का बटन दबा देना है। इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से यानी आसान तरीके के साथ पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये साफ तौर पर आपको पूरी हमने डिटेल बता दी है कि जिनके पास भी अपने घर नहीं है, जिनकी अपनी छत नहीं है, जो झुग्गियों में चौपड़ियों में रहते हैं, जिनकी इनकम भी हमने आपको बताई कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं उनकी 3 से 6 लाख होनी चाहिए, उसके बाद जो ग्रुप 2 के हैं उनके बाद 6 से 12 और जो ग्रुप दूसरे जो आते हैं उनके पास 12 से 18, इस ग्रुप के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और घर के कोई भी सदस्य अगर जिसने किसी और यानी स्कीम का लाभ ले रहा है तो उसमें ये होता है कि जो घर की महिला हो मुखिया वो अप्लाई कर सकती है आवास योजना के लिए। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी है। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, पहले आह्वान किया गया था कि 2024 तक वो चाहते हैं प्रधानमंत्री कि हर एक जनता का देशवासी का अपना पक्का मकान हो, कोई भी कच्चे घर में ना हो। फिलहाल ये सुनहरा अवसर है। तो आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जो एलिजिबल हैं जो क्राइटेरिया में आते हैं, हमने आपको इनकम के साथ फॉर्म भी बता दिया कैसे करना है। पूरी जानकारी आप इंटरनेट पर जाकर या आप साइबर कैफ़े में जाकर अपनी पूरी जानकारी वहाँ भरकर आप ऑनलाइन जो कि अप्लाई कर सकते हैं। जो इस समय फॉर्म जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म खुल चुके हैं और उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो गरीब हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, या वो लोग जो शुरू से ही कहीं आप जिनका अपना पक्का घर नहीं है, या यू के मिडिल क्लास लोग हैं जिनका घर तो है जगह तो है जो घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो इसमें भी आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद मिलेगी और साथ ही साथ सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इस मौके को छोड़िए मत। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री देश की करोड़ों जनता के लिए सोचते हैं, खासकर गरीब जनता के लिए। तो इस जो योजना है इस योजना का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जो लोग एलिजिबल हैं हम साथ
पर ये ज़रूर कहेंगे जो वाकई डिज़र्विंग है वो लोग ना अप्लाई करें जिनके आगे घर है, किसी और को मौका दे दीजिए। शायद आपका ये सोच जो है किसी का, किसी के चेहरे की खुशी बने और किसी के सर पर छत मिल जाए। फिलहाल अभी तक की खबर थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। आप जो कि वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और साथ ही साथ पूरी डिटेल है उसे भरिएगा। उसके बाद असम जी के आप जो है एलिजिबल अगर हैं, जो हमने पूरा क्राइटेरिया बताया उसी के अकॉर्डिंगली आप फॉर्म भी भरिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनकी अपना पक्का मकान नहीं है, जो आज भी झुग्गी और झोपड़ियों में रहते, ताकि वो भी, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।